इजराइल और अमेरिका से युद्ध का खतरा, ईरान का कर्ज उतार रहा रूस, भेजे हथियारों से भरे प्लेन। अटकलें तेज, अमेरिका और इजराइल मान रहे हैं कि कभी भी ईरान की ओर से हमला हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन को कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि ईरान की इजराइल पर सैन्य हमले की तैयारी है। हिजबुल्लाह की ओर से भी कोई आक्रामकता नहीं दिखी है। इजराइल ईरान में चरम पर है तनातनी। रूसी विमान के ईरान पहुंचने का है दावा। क्या रूस ने भेजा है हथियारों का जखीर? रूस से प्लेन में हथियार ईरान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इजराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान की रूस ने मदद की है। रूस की ओर से ईरान को कथित तौर पर कुछ हथियार मुहैया कराए गए हैं। बुल्गेरियन मिलिट्री डॉम कॉम ने अपनी रिपोर्ट में ईरान ऑब्जर्वर की ओर से एक्स अकाउंट पर साझा की गई तस्वीरों के आधार पर ये दावा किया है। ईरान ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट पर ही में हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया कि गैलेक्सी एयरलाइंस का एक रूसी IL-76TD कार्गो विमान 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। यह एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में रूस से ईरान में हथियार आने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने हालिया समय में यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस की काफी मदद की। खासतौर से ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन मुहैया कराए थे। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि अब रूस की ओर से सहायता की जा रही है। गैलेक्सी एयरलाइन के विमान पहले भी हथियारों का ट्रांसपोर्ट करते रहे हैं। जुलाई 2012 में गैलेक्सी एयरलाइन के विमान सीरिया में गृह युद्ध के बीच हथियार पहुंचाने के मामले में फंसे थे। इस मामले में एयरलाइन की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जांच और आलोचना की थी। गैलेक्सी एयरलाइंस ने विद्रोही गुटों से लड़ रही सीरियाई सरकार को छोटे हथियारों और गोला बारूद और दूसरे सैन्य उपकरणों की सुविधा प्रदान दी थी। अक्टूबर 2013 में भी गैलेक्सी एयरलाइंस से प्लेन से सूडान में हथियार ले जाने की सूचना मिली थी। इस कार्गो में छोटे हथियार और हल्के हथियार शामिल थे जो कथित तौर पर सूडानी सरकार के लिए थे। दिसंबर 2015 में भी गैलेक्सी एयरलाइंस लीबिया में हथियारों के परिवहन के लिए सुर्खियों में आई। क्यों खास है ईरान पहुंचा रूसी विमान? रूस के जिस IL-76TD विमान के ईरान पहुंचने का दावा किया गया है वो करीब 50 टन 50,000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ हथियार और सैन्य उपकरण ले जा सकता है। इस विमान से BTR बख्तरबंद कार्मिक वाहक और यहां तक कि T-72 जैसे हल्के टैंक भी भेजे जा सकते हैं। ये हॉविट्ज़र और कई रॉकेट लॉन्चर जैसे तोपखाने के टुकड़े भी ले जा सकता है। भारी हथियारों और वाहनों के अलावा IL-76TDS-300 या IS-400 जैसी विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों से लेकर रडार सिस्टम और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। ये खूबियां इसे विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए खास बनाती हैं। ये साफ नहीं है कि अगर इस विमान से ईरान में हथियार आए हैं तो वो किस तरह के हैं। माना जा रहा है कि इसमें ऐसे हथियार हो सकते हैं जो इजराइल से निपटने में ईरान की मदद करेंगे।